आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि अगर हमने सीओईटी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त अपने कास्ट कैटेगरी को गलत फिल कर दिया है या फिर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो क्या हम सीएसएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के वक्त उसको चेंज कर सकते हैं? क्या हमें ऑप्शन मिलता है कि हम अपनी कास्ट कैटेगरी को करेक्ट कर पाए रजिस्ट्रेशन करते वक्त डीयू के एडमिशन पोर्टल सीएसएस पे? तो आपके इसी बात को रिप्लाई करने के लिए मैं एक वीडियो क्लिप प्ले करने वाली हूँ जिसमें कि प्रोफेसर हनीफ मैम जो कि डीयू एडमिशन काउंसिल की हेड है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। यस, इट डजंट मैटर टू अस राइट नाउ एक्सेप्ट पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज बिकॉज दे वुड हैव टेकन अवेल्ड सर्टेन फैसिलिटीज इन दिस यूईटी फॉर्म, फॉर एग्जांपल यू नो दे वुड हैव टेकन अ स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम. They will not be allowed to change their category. But however, if you wish to, you know, apply in a separate category in CSAS, you can. But now this is a rule. Once you have selected a category in CSAS, submitted the fees, then it will not be changed. I repeat, then the CSAS category will not be changed. Now don't come back to us and say that, you know, map it to CUET. तो वो नहीं होगा. सीसास में जो आपने भर दी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसी कैटेगरी को फाइनल लेके चलेगी. तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आप अपने सीएसएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त कैटेगरी को तो चेंज कर सकते हो बट सिर्फ एक बार. तो ध्यान रखिए आपको जो भी अपनी कैटेगरी को फाइनल पुट करना है वहां पे एक ही बार में कर लें. एंड इसके अलावा आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट सीयूईटी अपडेट्स.